यार स्वागत है आप लोगों का एक और एक न्यू वीडियो के अंदर। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मेरा जो सेंसिटिविटी एंड जो मेरा कंट्रोल कोड है उसके बारे में बताने वाला हूँ। एंड आप लोगों से मेरे को कुछ बात भी करने का है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। यही नहीं कि बस सेंसिटिविटी और कंट्रोल कोड लेके चले गए, वीडियो को देखा नहीं पूरा। सो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, बस ये जो गेम प्ले चल रहा है इस गेम प्ले को पीछे बैकग्राउंड में इन्जॉय करो, क्योंकि इस बैकग्राउंड के अंदर मैंने जो गेम प्ले लगाया। मैं आपको सेंसिटिविटी कोड सब कुछ मैं दे दूँगा, ज़्यादा मैं आपका वीडियो लंबा नहीं खींचूँगा, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही मतलब दे दूँगा। और मैं डिस्क्रिप्शन एंड जो कमेंट के अंदर है मैं वहाँ पे भी पिन कर दूँगा, आप लोग वहाँ से मेरा सेंसिटिविटी और वो सब ले सकते हो। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, तो उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ बताना है आपको। सो देखो, मेरे को बहुत सारे जन है ना बोलते हैं कि भाई अपना कंट्रोल कोड दो, सेंसिटिविटी कोड दो, भाई हम लोग का जो गेम है वो हम लोग अच्छा नहीं मतलब नहीं खेल पा रहे, हम लोग तो तुम्हारा सेंसिटिविटी मिलेगा तो हम लोग तुम्हारे जैसा खेल पाएंगे। सो देखो, मेरा ये नहीं बोल रहा कि मैं एकदम बेस्ट खेलता हूँ। सो यहाँ पर ना देखो, गेम खेलने के लिए आपको मतलब जो आपका गेम है ना, गेम सेंस बढ़ाना पड़ेगा। सो आपको सेंसिटिविटी लेने से कुछ नहीं होगा कि आप लोग सेंसिटिविटी ले लोगे तो सेंसिटिविटी से आप लोगों का जो गेम प्ले एकदम हाई लेवल का हो जाएगा, जिसका आपने सेंसिटिविटी लिया उसके जैसा गेम प्ले हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं होगा आपके साथ। क्योंकि गाइस देखो, जब तक आप लोग खुद एकदम अच्छे से ग्राइंड नहीं करोगे ना, जब तक आपका हाथ एकदम परफेक्ट नहीं बैठेगा और जो सेंसिटिविटी पे आप खेल रहे हो वो सेंसिटिविटी को आप लोग परफेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपका जो गेम है ना वो एकदम बराबर नहीं होने वाला है। आपका गेम प्ले है ना वैसे का वैसे ही रहने वाला है, उल्टा आपका जो सेंसिटिविटी जो ले रहे हो आप उससे आपका जो गेम उल्टा ख़राब हो सकता है, जो आप पहले खेलते थे ना उससे भी ख़राब हो सकता है। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा ये वाला सेंसिटिविटी मत लो, ये सेंसिटिविटी एकदम बेकार है, मेरा ये सेंसिटिविटी यूज़ करो आप लोग, मैं नहीं मना कर रहा, मेरा कंट्रोल भी लो। क्योंकि बहुत सारे जो जन जो नए नए रहते हैं ना प्लेयर, उन लोग क्या करते हैं किसी का भी सेंसिटिविटी देख लेते, उसमें से समझते नहीं है कि हम लोग को क्या करना है आगे। सो मैं इस वीडियो के अंदर मैं ये भी नहीं बता रहा कि मैं आपको एकदम प्रो बना दूंगा, ये करा दूंगा। सो आप लोग बस वीडियो को पूरा एंड तक देते ना, जो मैं समझाना चाहता हूँ बस वही थोड़ा सुनना। सो देखो, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा जो भी मेरा सेंसिटिविटी या फिर कंट्रोल कोड लिए हो आप, आपको पहले तो आपको पूरा जो हाथ फिक्स करने के लिए ना एकदम एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे भाई मैं तो एक दिन के अंदर, 15 मिनट के अंदर, दो घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर कर दूंगा। सो देखो, वैसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी सेंसिटिविटी आप लोग जोनाथन कर लो, कोई भी लो, एकदम परफेक्ट करने के लिए कम से कम आपको 7 दिन लगे, वो भी मैंने 7 दिन बहुत ही ज़्यादा कम बोल दिया, क्योंकि आप लोगों को एकदम उसका परफेक्ट होने के लिए 1 महीना तो लगता ही है। क्योंकि एक नया कंट्रोल आप लोग ले रहे हो, इतने पुराने कंट्रोल से एकदम नए कंट्रोल पे आ रहे हो, तो आप लोगों का जो गेम है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ पे कौन सा बटन रखा है, और सेंसिटिविटी थोड़ा सा अलग रहता है। एंड मेरा जो सेंसिटिविटी, मैं जायरो खेलता हूँ तो जायरो प्लेयर लोग के लिए ये सेंसिटिविटी। एंड आपको अगर नॉर्मली अगर नॉन जायरो का चाहिए ना, तो आप लोग जो सेंसिटिविटी पे जाके वहाँ पे जो एकदम ज़्यादा यूज़ वाला है, वहाँ पे कुछ एक ऑप्शन रहता है, मैं आपको दिखा दूँगा स्क्रीनशॉट में, तो आप लोग देख लेना यहाँ पे। सो ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना, यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट जो रहेगा नॉन जायरो वो रहेगा। लेकिन मेरा जो ये है ना, मैं जो जायरो प्लेयर है उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ। एंड आप लोग अगर नॉन जायरो प्लेयर हो तो मैं बोलूँगा आप लोग जायरो पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। एंड देखो, मैं अपना जो सेंसिटिविटी उसका मैं तारीफ़ करने वाला हूँ कि मेरा सेंसिटिविटी ये है, आप लोग ये ले लोगे तो एकदम हाई लेवल के प्रो बन जाओगे, एकदम जोनाथन को मार दोगे, वैसा नहीं। आप लोग चाहे जोनाथन का सेंसिटिविटी लो या फिर कोई भी प्लेयर का सेंसिटिविटी लो, आप लोगों को उसको एकदम मास्टर करना पड़ेगा। एंड मास्टर कैसे करोगे, उसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो करना पड़ेगा। आप लोग देखो, पहले पहले जब सेंसिटिविटी लोगे तो आप लोग गेम बहुत ही ख़राब जाने वाला है, आप लोग मरोगे, ज़्यादातर मैच में मरोगे, क्योंकि आप लोगों का सेंसिटिविटी नया, सब कुछ एकदम नया आपके लिए, तो आप लोग बहुत ज़्यादा मरोगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग रूम के अंदर आना पड़ेगा। मैं आपको जैसे ही मेरा ये वाला गेम प्ले खत्म हो जाएगा, मैं आपको पूरा ट्रेनिंग के साथ सब कुछ बता दूंगा कि आपको क्या क्या करने का है। एंड जो मेरा सेंसिटिविटी एंड मेरा जो कंट्रोल कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड जो मेरा कमेंट पिन है उसके अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग लेना। तो ये गेम प्ले खत्म होने के बाद मैं आपको जो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जो मैं आपको बोलूँगा, बस 2-3 ज़्यादा कुछ ड्रिल नहीं है, 2-3 चीज़ आपको करना है, जो कि आपको जो मूवमेंट है वो आपको एकदम सही रखना है। क्योंकि देखो, सेंसिटिविटी है ना वो मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोगों का जैसे सेंसिटिविटी ठीक रहेगा तो आपका मूवमेंट भी एकदम बराबर होगा। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको पहले कुछ ड्रिल बताऊँगा जो आप लोग सेंसिटिविटी अप्लाई करने के बाद आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करना, वरना डायरेक्ट आपको कमेंट करके बोलोगे भाई आपका सेंसिटिविटी बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। सो प्रॉब्लम देखो पहले पहले आएगा, लेकिन वो जल्दी जल्दी आपका जितना आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, ट्रेनिंग ग्राउंड का तो बाद में ये तो मैं बता ही दूंगा आपको। एंड सेंसिटिविटी कोड जो रहेगा वो मैं आपको जो वीडियो का सेंसिटिविटी जो नॉर्मल जो सेंसिटिविटी दिखाने का रहता है ना वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, तो आप लोग लास्ट में ज़रूर देख लेना।
एंड आप लोग कोई भी सेंसिविटी ले लो, चाहे जोनाथन का ले लो या फिर कोई भी स्काउट का, मॉडल का, किसी का भी सेंसिविटी ले लो, उसको आपको मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस करने के लिए देखो सबसे जो एकदम इफेक्टिव तरीका है ना वो मैं आपको बता, देखो ट्रेनिंग ग्राउंड में आप लोग खेलोगे ना इतना कुछ आपका वो नहीं होने वाला, आप लोग पहले मूवमेंट चेक कर लो, स्प्रे चेक कर लो कि आपका कैसा जा रहा है, तो वो आपके लिए सही रहेगा कि आप लोग चेक करने के लिए सही है आपका इधर एमओ वेस्ट नहीं हो रहा, गेम खराब नहीं जा रहा। तो यहाँ पे आप लोग आपका चेक कर सकते हो कि आपका सेंसिविटी आपको बैठ रहा है क्या, प्रॉपर नहीं बैठ रहा है। और ये जो सेंसिविटी थोड़ा सा मेरा हाई सेंसिविटी है, मैं यहाँ पे 400 पे फुल जायरो पे खेलता हूँ, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा कम कर लेना अगर आपका लो एंड डिवाइस, थोड़ा कम कर लेना जायरो। एंड आपका अगर अच्छा डिवाइस है तो 400 पे खेलो, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ज़्यादा जितना ज़्यादा जायरो रहेगा उतना आप लोग को कम जो फ़ोन है वो रोटेट करना पड़ता है, एंड आप लोग का जो एम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड देखो सबसे पहले जो टिप मैं बोलूँगा ना, अगर आप लोग को एकदम जायरो को एकदम परफेक्ट करना है, मास्टर करना है ना, तो आप लोग सोलो वी स्क्वाड खेलो। लेकिन मैं बड़ा मैच का बात नहीं कर रहा, सोलो वी स्क्वाड खेलो आर्केड के अंदर, उसके अंदर एकदम चिकन लेने का ट्राई करो। ये नहीं कि आप कैम करके खेलो, एकदम मारो, घुस घुस के मारो और चिकन लेने का ट्राई करो, क्योंकि उससे जो है ना आपका गेम सेंस भी बढ़ेगा। एंड आपका जो भी मैं आपका लेआउट में आपको दिया, यहाँ पे मेरा कंट्रोल कोड दिया हूँ, उससे आपका जो कंट्रोल का मतलब जो भी मेरा हाथ है ना आपका एकदम बैठ जाएगा। आप लोग मैं बोलूँगा एक हफ्ता तक खेलो ही मत, आप तक मतलब वो नहीं खेलो, मतलब बड़ा मैच मत खेलो, जो क्लासिक है वो मत खेलो, आर्केड के अंदर खेलो, आर्केड के अंदर ऑल वेपन खेलो, उसके अंदर आप लोग का हाथ इतना परफेक्ट कर दो कि आप अगर नॉर्मली क्लासिक मैच भी खेलने जाओगे ना, तो आपका ये सेंसिविटी एंड जो मेरा कंट्रोल कोड है वो आपका एकदम परफेक्ट बैठेगा, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बोलूँगा एक हफ्ते तक एकदम आर्केड खेलते रहो, दबा के खेलो आर्केड, 4-5 मैच, 10 या फिर दिन में कम से कम 10 तो आर्केड ही खेल लो, क्योंकि इतना सारा अगर आप लोग गेम प्ले खेलते, अगर दिन में 2-3 घंटा भी लगा दो तो आर्केड खेलो, आर्केड के अंदर दबा के मारो, उतरो मरो, उतरो मरो, लेकिन एकदम अच्छे से परफेक्ट कर लो एकदम कंट्रोल कोड को और सेंसिविटी कोड को। इससे अच्छा टिप आपको कोई भी मिलने वाला नहीं है, कोई देने वाला बताने वाला भी नहीं है। सब लोग बोलेंगे कि भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ, ये करो ये करो, तो देखो उससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों के सामने रियल बंदे नहीं आ रहे, तो रियल बंदे जब आएंगे तभी आपका जो मूवमेंट है, जो अपना जो आपका सेंसिविटी है वो तभी आपका काम आएगा, कि तब कैसे पता चल रहा है कि हम लोग को ये सब चीज़ें। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने बता दिया कि आप लोगों को कि क्या क्या करने का है, एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आप लोगों को क्या क्या प्रैक्टिस करने का है। सो ट्रेनिंग ग्राउंड में आप लोगों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, सिर्फ दो ही चीज़ करने का है आपको। सो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, एंड ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखो रिएक्शन जो टाइम है, रिएक्शन टाइम के अंदर डिफिकल्ट करके 2 के अंदर प्रैक्टिस करने का है आपको। और प्रैक्टिस जब तक करो तब तक आप लोग एकदम मास्टर नहीं होता, एक भी शॉट जो है वो मिस नहीं होता, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो ये वाले का, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो सेंसिविटी वो कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है आप लोगों को, आप लोगों को सही बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है, जो कंट्रोल है वो सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, आपका उंगली कहाँ पे जा रहा है। सो यहाँ पे आप लोग हर एक स्कोप से, एक एक स्कोप से देखते रहो कि आप लोग का कौन सा वाला प्रॉब्लम जा रहा है। अभी रेड डॉट से किया, उसके बाद फिर 2x, फिर 4x, 3x, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, मतलब ज़्यादा एकदम पास में हो जाएगा अगर स्कोप लगा हुआ थे, लेकिन आप लोग फिर भी ट्राई करके देखना एक बार, ऐसा करके आप लोग ट्राई करते रहना, तो आप लोगों का जो सेंसिविटी है ना, रिफ्लेक्स एकदम तो सही हो जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो कंट्रोल है ये कहाँ पे काम कर रहा है। एंड ये तो हो गया नॉर्मल वाला, तो यहाँ पे इतना कुछ ट्रेनिंग के अंदर देखो है नहीं बताने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा नहीं है। अब मेरे को आप लोग बोलोगे भाई एकदम प्रो प्रो लोग तो भाई एकदम खतरनाक वाला वो करते हैं, तो उन लोगों का ड्रिल अलग रहता है, वो ड्रिल अपना किसी को नहीं बताते, सीक्रेट रहता है वो, और वो ड्रिल कोई भी किसी को बताता नहीं है। आप लोगों को उन लोग से मतलब अगर उन लोग बता देंगे तो फिर उन लोग का भाई जो असली जो हैक है वो तो दिख जाएगा, इसलिए लोग किसी को बताते नहीं है, जो अपना रियल ड्रिल है वो किसी को बताते नहीं है। सो ये तो हो गया फर्स्ट वाला ड्रिल, एंड जो सेकंड ड्रिल है आपको जो करना पड़ेगा, देखो हर एक चीज़ है ना, हर एक स्कोप के साथ करना तभी आपका परफेक्ट वर्क करेगा। सो आपको उसके लिए अभी जाना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के इस जगह पे आ जाना है, एंड इस जगह पे आने के बाद आपको डिफ़िकल्टी जो लेवल 3 है, यहाँ पे सिमुलेशन ट्रेनिंग जो है यहाँ पे आपको 3 पे करना है डिफ़िकल्ट पे, एंड डिफ़िकल्ट पे करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को भाई मारना, देखो एक तो आप लोग आर्केड खेलो एंड ये वाला खेलो, बहुत ही ज़्यादा आपको एकदम हेल्प देगा ना, सबसे ज़्यादा जो ड्रिल के अंदर काम आता है ना, मैं बोलूँगा यहाँ पे आओ, इससे बेस्ट आपको कोई ड्रिल मिलेगा नहीं, चाहे आप कितना भी कर लो स्कोप के साथ, इधर से उधर कर लो मूवमेंट, ये कर लो, कोई भी आपको इतना प्रॉफिट नहीं देने वाला जितना ये देने वाला है। एंड डिफिकल्ट के अंदर करना, और हेल्थ को बिल्कुल भी मत बढ़ाना, क्योंकि अगर आप लोग हेल्थ बढ़ाओगे तो उससे आप लोगों का जो है ना मतलब जो एम है वो इतना भी कुछ अच्छा जाएगा नहीं, मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोग इतना आएगा नहीं कि हाँ मेरे पास हेल्थ में हेल्थ मार के कॉन्फिडेंस वो करूँगा। तो अगर हेल्थ आपका कम रहेगा ना, तो आप लोग एकदम अच्छे से मूवमेंट देके फास्ट मूवमेंट करके मारोगे, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि लोग एक शॉट मारते हैं ना पूरा हेल्थ डाउन हो जाता है। और यहाँ पे डिफिकल्ट के अंदर आप लोगों को पूरा हेड मारना पड़ता है, क्योंकि बॉडी बीडी के अंदर यहाँ पे कुछ काम नहीं करता, तो यहाँ पे पूरा आपको हेड मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे आके प्रैक्टिस करो और आर्केड खेलो, इससे अच्छा ड्रिल आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं।
एंड मैं अभी आपको मेरा जो सेंसिविटी कोड है मेरा और जो मेरा सेंसिविटी वो आपको दिखा देता हूँ एंड उसके बाद फिर वीडियो खत्म हो जाएगा। सो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड आप लोग बस अभी सेंसिविटी कोड देख लो।